हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं वेज पिज़्ज़ा बनाने। तो वेज पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेड बनाएंगे। तो ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर ले लिए हैं हम एक कटोरी मैदा और इसमें कुछ दहिया है, इसमें हम डाल लेते हैं और उसमें डालने के लिए बेकिंग सोडा है, ये मीठा सोडा है और ये थोड़ा सा नमक है और इसमें से हम 1 स्पून चीनी डालेंगे। तो चलिए हम बेकिंग सोडा को हम डाल देते हैं। अब हम डालेंगे मीठा सोडा इसमें। नमक और डालेंगे थोड़ा सा 1 स्पून चीनी। इससे खमीर अच्छा उठता है, इसलिए ब्रेड अच्छा बनेगा। और थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा दही और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका हम अब डो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए डो मेरा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल। और अब हम इसे खमीर के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो ये मेरा कर्ड वाला प्लास्टिक है और ये सिंपल भी है, इसलिए हम इसमें रख देंगे इसे पैक करके। और इसके गर्मी से इसमें अच्छे से खमीर आ जाएगा और बहुत जल्दी। तो इसको ऐसा करके रख देते हैं और ढक्कन सेट। अब ये 10 मिनट में सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आटा सेट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा से हमारा आटा सेट हो चुका है। चलिए हम इसे बेल लेते हैं। हम यहाँ पर रोल बोर्ड ले लिए हैं और अब हम इस पर बेलेंगे। चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं और इसे घुमा लेंगे। तो बिल्कुल हल्का बेलना मारना है, ये अपने आप फैल जाएगा। तो चलिए हम बेल लिए हैं। अब हम इसमें ऑयल लगा लेंगे थाली में। अच्छे से और रोटी को इसमें हम सेट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तीखी और खट्टी चटनी घर पे बनाया हुआ है। ये सेजवान की चटनी है, हम इस पर अच्छे से लगा देंगे। तो ये हमने चटनी लगा लिया है और अब हम लगाएंगे मीठी चटनी। इसके ऊपर से और बिना ईस्ट का और बिना ओवन का हम बनाएंगे कढ़ाई में। तो ये मेरा स्लाइस वाला चीज़ है।
तो हम इस पे इसे रख देंगे। बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम इस पे कुछ सब्जियां डालेंगे। ये शिमला मिर्च है, इस पे हम रख देते हैं। प्याज, स्लाइस में कटा हुआ टमाटर, और अब हम इस पे डालेंगे अजीनोमोटो। भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये ओरिगैनो मसाला है, थोड़ा सा डालेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा टमाटर केचप डाल देंगे। तो चलिए अब हम इसे कढ़ाई में पकाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे, नमक नहीं डालेंगे इसमें, और बेक करने के लिए यहाँ पर ये प्लेट है और इसमें हम कढ़ाई में प्लेट को रख देते हैं। और पिज़्ज़ा को हम इसमें इस पे रख देते हैं। और अब इस पे हम इसे ढक देते हैं। मुझे ऐसी थाली लगानी है जिससे कि इसका जो भाप है वो बाहर ना निकले, और बिल्कुल ये अच्छे से पैक होना चाहिए, तभी ये अच्छे से बेक हो पाएगा। चलिए अब हम इसे पकने के लिए कम से कम आधे घंटे तक छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं। चाकू के हेल्प से देख लेंगे तो ये बिल्कुल लगा नहीं है और ये बिल्कुल अच्छे से ठीक हो चुका है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए वेस्ट पिज़्ज़ा हम बिना ईस्ट बिना ओवन का बनाए हैं कढ़ाई में, और देखिए कितना अच्छा हुआ है और काफ़ी अच्छा देखने में भी लग रहा है और खाने में ही उतना ही टेस्टी है, बिल्कुल जैसे मार्केट जैसा बना हुआ है। चलिए हम आपको कट करके दिखा देते हैं। तो देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसा मेरा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुका है। तो वीडियो आप लोग को कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि जो मैं भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।